सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वीवो के Z1 Pro के बारे में कि क्या ये फ़ोन हमें 2020 में ख़रीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके मेन फीचर के बारे में बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं, और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसी प्राइस रेंज पर हमें और कौन से फ़ोन देखने को मिल जाते हैं जो कि इसे कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसके सबसे पहले खास फीचर के बारे में बताता हूँ। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा दो जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके खास फीचर के बारे में। तो दोस्तों ये है वो फ़ोन जिसे मैं समथिंग लास्ट एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों वीवो की तरफ से। जब ये फ़ोन आया था तब इसकी रेंज 15,000 रुपये समथिंग थी जो कि दोस्तों एक ऑनलाइन फ़ोन था ये, लेकिन जब मार्केट में मिल जाता है तो मैंने इसे 15,000 रुपये का परचेज किया था। दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.53 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है जो कि दोस्तों एक IP डिस्प्ले है। तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, अगर आप हैवी गेमर हो या फिर आपको मूवी देखने ज़्यादा शौक है तो आप इसकी डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। लेकिन दोस्तों IP डिस्प्ले होने के कारण अगर आप धूप में निकलते हो तो आपको इसमें जो कलर हैं वो काफ़ी कम नज़र आएंगे। दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप एक हैवी गेमर हो, अगर आप ज़्यादा हैवी गेमिंग खेलते हो तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे कितनी भी गेमिंग करो, चाहे कितनी भी मल्टीटास्किंग करो, आपको इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी इशू नहीं आएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से। दोस्तों जब ये फ़ोन आया था तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था अपने इन मेन फीचर की वजह से। दोस्तों इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो इसके रियर में हमें 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों हमारा जो मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और दोस्तों बाकी और दो जो कैमरे हैं वो 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के हैं। इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो इन डिस्प्ले के अंदर है जो कि 32 मेगापिक्सल का है, जिससे दोस्तों आप अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है वो थोड़ा एवरेज कैमरा है, उसमें आप ठीक ठाक फ़ोटो ले सकते हो लेकिन ज़्यादा खास फ़ोटो आपकी उसमें क्लिक नहीं होंगी। दोस्तों इस फ़ोन में जो हमें बैटरी दी गई थी वो 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई थी, जिसके साथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्ज भी साथ में दिया गया था, जिससे दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता था। तो दोस्तों जो लोग ज़्यादा हैवी गेम करते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा गेम खेलने का शौक़ है और जो लोग ज़्यादा मूवी वगैरह देखते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस फ़ोन में, क्योंकि दोस्तों अगर आपके फ़ोन की जो बैटरी है अगर वीक हो भी जाती है तो आप फटाफट से चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाकी जो फीचर हैं वो सेम वही हैं जो हमें और फ़ोनों में देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीवो के फ़ोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर आप वीवो के लवर हो, तब आप इस फ़ोन को ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आपको 4GB और 64GB वाले वेरियंट खरीदना जो कि आपको 15,000 रुपये की रेंज में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इससे ऊँचा वेरियंट खरीदते हो तब आपको उसमें काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप 16,000 रुपये की रेंज में फ़ोन खरीदते हो तो दोस्तों आपको रियलमी का एक फ़ोन मिल जाएगा जो कि Realme 6, जिसमें आपको 6.5 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और दोस्तों उसमें आपको MediaTek का Helio G90 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि दोस्तों एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों 16,000 रुपये की रेंज में काफ़ी कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वीवो का फ़ोन चाहिए, आप वीवो के फ़ोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपको वीवो की जो कलर OS है वो आपको ज़्यादा पसंद है, तब आप इसका जो सबसे बेस वेरियंट है 4GB और 64GB वाला आप उसे खरीद सकते हो। वैसे दोस्तों 4GB और 64GB वाले जो वेरियंट है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका 6GB और 64GB वाले वेरियंट भी खरीद सकते हो जो कि दोस्तों आपको 16,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि दोस्तों एक कम्प्लीट डिवाइस हो, जिसमें आपको वो सब मिले जो आप एक फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हो, तो मैं कहूँगा आप Redmi का Note 9 Pro ले लो जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। दोस्तों आप देख रहे हो Redmi का Note 9 Pro जो कि मेरे पास है, दोस्तों जो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको जो कैमरे का बम दिया गया है दोस्तों ये वाला, ये काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लुक देता है। इसमें रियर में हमें दोस्तों 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है। दोस्तों इसकी डिस्प्ले है काफ़ी बड़ी है, 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले है दोस्तों, और इसमें जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा मिलता है। स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जिसमें आप अपनी हैवी गेमिंग कर सकते हो और चाहे कितनी मल्टीटास्किंग करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आपको वो सब मिले जो आप एक फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि बड़ी बैटरी,
क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन की जो बैटरी है वो भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस फ़ोन में वो सब है जो एक इंसान एक फ़ोन से एक्सपेक्ट करता है। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कम्प्लीट डिवाइस हो, अब आप रेडमी नोट 9 प्रो की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको वीवो का फ़ोन चाहिए तो आपको इसका बेस्ट वेरियंट खरीदना है जो कि 4GB 64GB वाला है। दोस्तों 15000 रुपये रेंज में मैं बोलूँगा कि वीवो का Z9 Pro अभी भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि वीवो का हो या ना हो लेकिन वो कम्प्लीट डिवाइस हो, तब आप रेडमी नोट 9 प्रो की तरफ जा सकते हो या रियलमी के 6 की तरफ जा सकते हो। ये दोनों दोस्तों फ़ोन इस फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है वीवो के से। लेकिन अगर आपको वीवो का फ़ोन चाहिए तो आप वीवो का Z9 Pro ले सकते हो 15000 रुपये वाला, क्योंकि दोस्तों अगर इससे ऊँचा आप जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाएगा मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको वीवो का Z9 Pro खरीदना चाहिए या नहीं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।